आलोक शर्मा जी तो सांसद है ही हमारे, आलोक जी की महापौर के कार्यकाल से लेकर आज तक एक विशेष पहचान रही, एक वर्तमान की महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े सभी माननीय महापौरगण, सभी अध्यक्षगण, सभी चुनावी जनप्रतिनिधिगण, आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी है, आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई देना चाहूंगा। हमारा पखवाड़ा भी प्रारंभ हो रहा है, इस पखवाड़े के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 1 अक्टूबर तक लगातार ये प्रदेश पूरे देश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा और खास करके स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से स्वच्छता का स्वच्छता अंतर की भी ये जो उसका स्लोगन है ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। जब स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी है, दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है, और वह स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है। हमारे अपने देवी देवताओं में हम उधर ध्यान नहीं जाता है, गंधर्व की सवारी है, हमें स्वच्छता की पहचान है, प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना, प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। और ये भी मान के चलो कि जब 20वीं शताब्दी में चेचक का हैजे का ये जो बीमारी फैली है उस बीमारी से आमतौर पर शीतला माता का जो समय वो एक जैसा ही है। मैं आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये जो टीका चला है माननीय महामहिम, ये टीके का आविष्कार कैसे हुआ ये बताना चाहूंगा, चेचक की बीमारी से बचाने का ये प्राचीन विधा हमारी थी। जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और चेचक की बीमारी दुनिया भर में फैली, कोई को बचाव के साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बचाव के साधन हमारे यहाँ ये उस समय ध्यान में आए कि चेचक से जिसको मवाद का कोई अच्छा फोड़ा हुआ उसका मवाद निकाल करके बबूल के कांटे से किसी दूसरे को उसको एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हमारे वेद ऐसे लगाते थे, और लगाने से कुछ समय बाद 2-3 दिन बुखार आता था और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता था, तो बाद में उसको चेचक नहीं होता था। ये एक उस समय की विधि, और ये विधि तत्कालीन उस समय लॉर्ड बेकाले और इनने इस चीज को अपना करके लंदन भेजा बाकायदा पत्र के साथ, और वो काल के प्रभाव में तकनीक बदल करके टीका ईजाद हुआ। असली में वो टीका तो भारत का था जो स्वच्छता से बचाने के लिए हमारी ये प्राचीन परंपरा है, जो आज के काल में भी हमको ध्यान में आएगा कि जब कोविड का समय आया है और अब तो टीके हो गए और कोविड से पूरा देश और दुनिया बची, लेकिन कोविड के मामले में दुनिया थर्रा गई थी, सारे बाकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, लेकिन मैदान में कौन थे, मैदान में हमारे स्वच्छता कर्मी थे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं, और दूसरे मैदान में थे स्वच्छता कर्मी के साथ चिकित्सक, वो भी आयुर्वेदिक जो काढ़ा पिला रहे थे सबको, काढ़ा उस समय हमारे लिए ये एंटीबॉडी की दृष्टि से अच्छे अच्छे एलोपैथिक के डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में आयुर्वेद के उस काढ़े पीकर के ड्यूटी की है और वो हौसला बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति शैली है उसमें बहुत सारी बातें भी दिखाई देती, और साथ में हमारे पुलिस जवान सभी प्रकार के मैदान में खड़े रहकर के, मैं पुलिस जवान को भी बधाई देना चाहूंगा, आपने जो उस समय ड्यूटी की है ये भूतों ने भविष्य कभी भूल नहीं सकते, कई सारे जवानों की शहादत इसमें हुई। तो ये जो हमारा तंत्र है, इस तंत्र के अंदर से अलग अपने आप के एक आवाज भी आती, जिस आधार पर हमारे लिए ऐसे दिन याद रखने वाले रहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल में उस कठिन समय में भी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया। और एक खास बात, सबको कोविड हुआ लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोविड नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, व्यक्तिगत चर्चा में उनने खुद ने बताया है कि वो रोज शंख ध्वनि करते। स्वागत करता हूं और
विशेषकर मैं आभार करना चाहूं हमारे प्रदेश के ऊर्जावान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री विजय शर्मा जी के। मैं तो मुख्यमंत्री के नाते एक बार ये देश के प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, पत्र भी लिखे रहे हैं और हमारे देश के जो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह जी उमन के साथ गए रहे हैं हमारे मंत्री जी के साथ में, लेकिन बार बार दिल्ली जाके प्रयास करके हमारे ऊर्जावान मंत्री और उमन के विभाग के सब अधिकारी मन कई बार जाके हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृत कराई है। एक लिए आप सब एक बार ताली बजावा विजय शर्मा जी के लिए। और आज आप सबके तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से और छत्तीसगढ़ के हमारे प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री उमन के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे ये छत्तीसगढ़ पर 8,46,932 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति करी ने पूरे देश में 32 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुई से उनमें कम करीब 30% आवास हमारे छत्तीसगढ़ पर स्वीकृत हुई से ये बहुत बड़े मेहरबानी है। आवास और अधिकार लेके पिछली सरकार में हमार कार्यकर्ता मन आंदोलन करे रहीन और उन्हें जेकर हमन हमारे साहू भाई कर स्वागत भी करें, अश्रु गैस के गोला होकर कमर में फूट गए रहीस, तो ऐसे जोरदार आंदोलन भी हमन करें कांग्रेस के सरकार में और हमार प्रधानमंत्री जी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान में कह रहीन कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम करेगा 18 लाख गरीब लोग जो 5 साल कांग्रेस के सरकार में अपने हक से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 ला भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेस और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर के हमन पहला कैबिनेट लाइन और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दें। और आज वो अवसर आई से कि 8,46,932 लाभार्थी के आज पैसा जारी होगी से आज हमार प्रधानमंत्री जी उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से 5,11,000 हितग्राही मन के खाता में सीधा पैसा डालने वाला है, 2,044 करोड़ रुपया डालने वाला है। तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के। और आज करीब 2 लाख प्रधानमंत्री आवास 8-9 महीना में बनके भी तैयार होगी से जिनमें 1,96,000 ग्रामीण आवास और करीब 23,000 शहरी आवास, तो ऐसे 2,20,000 जीवन के मकान पूर्ण होगी से उमला भी आज प्रधानमंत्री जी गृह प्रवेश कराए हैं, तो ऐसे 2,20,000 जीवन के आवास बनी से जीवन के गृह प्रवेश होते वो भाई बहनी मल्ला भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। हमार सौभाग्य कि कुछ देरी में ही हमला हमार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन मिली, उनके आशीर्वचन मिली। मैं तो आप मल्ला सिर्फ धन्यवाद दे बार आप मन के अभिनंदन करे बार यहां मैं खड़ा हुए हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री के नाते, जैसे हमारे पूर्व वक्तावन भी कही ने, हमारे विजय शर्मा भी कही ने, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी कही कि अगर ये प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा के कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं इस बात आज साफ तौर पर बोलता हूं, सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर एक भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में
आज विश्वकर्मा दिवस भी है तो हमन श्रमिक ला भी नमन करत हन, हमार सफाई दीदी मन ला भी हाँ स्वागत करे हन, हमन विशेष बीड़ा उठा के हमार प्रदेश ला और विशेषकर नगरी क्षेत्र मन ला स्वच्छ रखे के प्रयास करते हैं ला भी नमन करत हन। आज हमार श्रम मंत्री लखनला जी यहाँ बैठे ने, आज मन के भी कार्यक्रम है, आज हमारे छत्तीसगढ़ के श्रमिक भाई मन के भी हमन सम्मान करबो और आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के शुभारंभ करे हैं। आज मोदी जी के जयंती से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती तक ये पखवाड़ा चलने वाला है, एक शुभारंभ आज सवेरे हमन करे हैं और स्टेप बाय स्टेप एक कार्यक्रम हो ही। तो आप सबसे और निवेदन है कि हमला ये स्वच्छता ला अपन आदत में डालना है, हमला अपन घर अपन गली चौराहा अपन मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारा मस्जिद ये सबला साफ रखना है, अस्पताल स्कूल घर ये सबला साफ रखना है, ये गंदगी में बीमारी भी फैलते। और जब से 15 अगस्त 2014 के जब हमर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार लाल किला में झंडा फहराइन और स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान करें, तब से सबके मन में सफाई के प्रति अवेयरनेस तो आगे जागरूकता आगे से हमला हमेशा बना के रखना है, ये स्वच्छता अपन आदत बना के रखना है। और क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री जी ला सुन रहा है, मैं फिर से आज के विशेष अवसर में आप सब उपस्थित हुए हो, आप मल्ला विश्वकर्मा जयंती के बधाई शुभकामना देते हुए और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री आवास के जो लाभार्थी हैं और जमन के मकान पूरा हो गए जमन के गृह प्रवेश हुई उन्हें सब लाभ मैं अपन तरफ से बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। स्वच्छता का संकल्प दिलाने के लिए स्वच्छता संकल्प वाचन का बहुत बहुत धन्यवाद।